नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एक ऑनलाइन पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी के 2019 के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको फुल डिटेल देने वाले हैं बिहार एसटीटी 2019 के बारे में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी नोटिफिकेशन आउट की गई है और नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी बातें बताई गई है, सारे के सारे डिटेल हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। और फ्रेंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों अब आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम आपको बता दें वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी जानकारी यहाँ पर देने वाले हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की एक एक बात बताने वाले हैं, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया जा रहा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। टोटल पोस्ट यहाँ पर 37,335 बताई जा रही है। ऑनलाइन अप्लाई 9 सितंबर से 18 सितंबर 2019 तक आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम डेट 7/11/2019 को बताई जा रही है, यानी कि 7 नवंबर को। और आप लोग देख पा रहे हैं कंप्यूटर टीचर BCA RMCA, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। BEd कंपलसरी है या नहीं है वो भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और आपको A to Z सारी की सारी जानकारी आपको। फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं और आज के ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ निकाली गई। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि STT 7 नवंबर को होगा परीक्षा। तो आप लोग देख पा रहे हैं डेट पहले से यहाँ पर घोषित कर दी गई है। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया जा रहा है कि बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 7 नवंबर को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन बिहार बोर्ड, आप लोग देख पा रहे हैं, जो BSEBSTE2019.in पर 9 से 18 सितंबर तक भरे जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं ये आवेदन की डेट दी गई है। और बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि माध्यमिक नवीं और दसवीं यानी पेपर फर्स्ट के साथ विषयों के लिए 25,270 रिक्तियों पर आवेदन लिए जाएंगे। उच्च माध्यमिक 11वीं व 12वीं यानी पेपर 2 के भी 7 विषयों के लिए 12,065 रिक्तियों को लेकर आवेदन लिए जाएंगे। कुल 37,335 रिक्तियों पर ही विषयवार व कोटिवार मेरिट लिस्ट तैयार होगी। और यहाँ पर देख पा रहे हैं STT और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा के लिए कोटिवार शुल्क भी तय कर दिए गए हैं। सामान्य पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष और महिला के लिए पेपर 1 या 2 पेपर के लिए फॉर्म भरना होता तो इसके लिए ₹500 देने होंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, और वहीं जो अभ्यर्थी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में फॉर्म भरेंगे तो उन्हें ₹800 जमा करने होंगे। SSC और ST एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए पेपर 1 या पेपर 2 के लिए ₹300 और पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के लिए ₹500 शुल्क देने होंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं सारी जानकारी यहाँ पर दी गई और बताया जा रहा है कि आगे की जो भी जानकारी होगी वो पेज नंबर 8 में दिया गया है। तो हमने पेज नंबर 8 भी डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए अब उस पर देख लेते हैं क्या बातें बताई गई है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आ गए और बताया जा रहा है कि स्नातक PG में 50% लाने वाले दे सकेंगे परीक्षा। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, जिनके 50% हैं स्नातक और PG में वही लोग दे सकते हैं परीक्षा। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट पॉइंट हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो आप लोग को भी क्लियर दिखेगा। STT 2019 में वही शामिल हो पाएंगे जिन्हें स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% प्राप्तांक होंगे। बिहार बोर्ड के माने तो पेपर 1 यानी 9वीं और 10वीं के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक में 50% प्राप्तांक होने जरूरी हैं। वहीं सेकंड पेपर यानी 11वीं और 12वीं के लिए स्नातकोत्तर में 50% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। इसके अलावा BEd एवं डिग्री होनी चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए 45% प्राप्तांक जरूरी हैं। दिव्यांगों के लिए उम्र में 10 साल की छूट दी जाएगी। तो सबसे बड़ी यहाँ पर अपडेट है, हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 10 वर्षों की छूट दी जा रही है और अभ्यर्थियों को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। 1 अगस्त 2019 के लिए तिथि मान्य है। दिव्यांग छात्रों के लिए 10 साल की छूट उम्र में दी गई है। और आगे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट पेपर के बारे में विषय और योग्यता दी जा रही है कि 9वीं और 10वीं हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी संबंधित विषय से स्नातक के साथ BEd गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से स्नातक और BEd और विज्ञान, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र विषय से स्नातक एवं BEd सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में उत्तीर्ण हो। इसमें इतिहास या भूगोल अनिवार्य होगा, साथ में BEd भी जरूरी था। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था कि BEd कंपल्सरी
नेसेसरी है या नहीं है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू निकल कर आ रहा है कि बीएड जरूरी है, कंपलसरी है। और आप लोग देख पा रहे हैं पेपर सेकंड में 11वीं और 12वीं अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रासायनिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र संबंधित विषय से स्नातकोत्तर एवं बीएड और कंप्यूटर साइंस बीएड जरूरी नहीं है। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो कंप्यूटर साइंस से होंगे उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है। इसके लिए 9 अलग अलग अर्हता निर्धारित है, निर्धारित 9 अर्हता में से किसी एक का होना जरूरी है। तो हम आपको बता दें जो पेपर सेकंड के लिए 11वीं और 12वीं अंग्रेजी, गणित और भौतिक, रासायनिक शास्त्र, प्राणि शास्त्र, वनस्पति शास्त्र संबंधित विषय से स्नातकोत्तर किए होंगे उनके लिए यहाँ पर बीएड चाहिए, और जो कंप्यूटर साइंस से होंगे उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है। और उसके बाद चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या बातें बताई गई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए कर सकेंगे त्रुटि में सुधार। तो आप लोग यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए अगर आपसे कोई भी त्रुटि हो जाती है तो उसका सुधार आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर ये बातें बताई गई है। और वेबसाइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, पहले भी हमने वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेटी के लिए पेपर फर्स्ट में 9वीं और 10वीं 10 बजे से 12:30 बजे तक, और पेपर सेकंड 11वीं और 12वीं से 4:30 बजे तक, और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 10 से 12 बजे तक, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। परीक्षा का कार्यक्रम है ये, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, याद करके रख लीजिएगा, आप लोगों को याद करना कंपलसरी है। और आप लोग देख पा रहे हैं उच्च माध्यमिक के लिए केवल विज्ञान संकाय वालों को मौका, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो उच्च माध्यमिक के लिए केवल विज्ञान संकाय वालों को मौका दिया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति के लिए 8 साल बाद माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एसटीटी ली जाएगी, लेकिन उच्च माध्यमिक यानी 11वीं 12वीं के लिए आवेदन केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही करेंगे। तो जो 11वीं 12वीं के लिए आवेदन करेंगे वो केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही करेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक पर बिहार बोर्ड के केवल विज्ञान संकाय से पीजी करने वाले विद्यार्थी को ही यह मौका दिया है। इससे उन छात्रों पर छात्राओं को झटका लगा जो कला और वाणिज्य संकाय से स्नातकोत्तर किए हैं। तो पहली बार 2011 में एसटीटी ली गई है, उसमें विज्ञान के साथ कला वाणिज्य संकाय के छात्रों को भी मौका मिला था। देख पा रहे हैं जो पहली बार 2011 में लिया गया था उसमें विज्ञान संकाय के अलावा कला और जो अदर विद्यार्थी थे उनको भी मौका दिया गया था, लेकिन इस बार केवल विज्ञान संकाय वालों को ही मौका यहां पर दिया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है रिक्तियों के अनुसार मेरिट लिस्ट होगी तैयार। तो जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो रिक्तियों के अनुसार तैयार की जाएगी। माध्यमिक व शिक्षक माध्यमिक मिलाकर 37,355 रिक्तियाँ हैं, इसमें माध्यमिक में 25,270 और उच्च माध्यमिक में 12,065 रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों के अनुसार ही मेरिट लिस्ट जारी होगी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि जितनी रिक्तियां हैं उतनी ही विषयवार रिक्तियों पर कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम कटऑफ मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। समान वर्ग के लिए 50% और बाकी कोटि के लिए 45%। तो आप लोग देख पा रहे हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं वो कान खोल कर सुन लीजिएगा कि आपको न्यूनतम से न्यूनतम मार्क यानी कम से कम आपको 50% तो लाना ही है, और जो अदर कैंडिडेट हैं SC ST OBC जो भी हैं उनको 45% लाना आवश्यक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जानकारी आपको दी गई है, तो मेन जो है जनरल कैंडिडेट वो कान खोलकर सुन लीजिएगा कि आपको 50% लाना आवश्यक है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमने आपको दी है, और आप लोग भी ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको ये न्यूज़पेपर शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर जाके न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ा लंबा था लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।